हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं हूं आपकी डॉक्टर प्रियंका। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर, हाउ टू मैनेज योर फ्रीजी हेयर एंड हाउ टू लुक योर हेयर शाइनर। मीन्स आपके हेयर जल्दी से लंबे कैसे हो, शाइनर कैसे हो और कैसे वो हेल्दी हो, और कैसे हो अगर वो ड्राई से हैं, फ्रीजी से हैं तो कैसे मैनेजेबल हो। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने हेयर वॉश ले लिया है। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है, बिलीव मी। मेरे बाल आप देख सकते हैं, मैंने लेज़र कट लिया था लेकिन कितने लंबे लंबे हो गए हैं। और कंटिन्यू मैं शेयर करती रहती हूँ अपनी रेमेडीज़ आपके साथ इस चैनल पे। यहाँ पे मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, क्योंकि यहाँ मेरे चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब रसोई, रेमेडीज़, कॉमेडी, व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स, एवरीथिंग इज़ देयर, मोटिवेशनल। सो मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखी। प्रियंका के नुस्खे में आपको मेरी रेमेडीज़ मिलेगी, प्रियंका की रसोई में मेरी रेसिपीज़ मिलेगी, मोटिवेशनल प्रियंका में मेरी मोटिवेशनल वीडियोज़ है, कॉमेडी विद प्रियंका में मेरी कॉमेडीज़ है, और भी बहुत कुछ आने वाला है आगे भी। टेक्निकल प्रियंका भी आने वाली है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो वेलकम टू माई चैनल जो नए हैं, और जो पुराने हैं उनको थैंक यू सो मच। अपना प्यार बनाए रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। दही, दही, और दही में मैं डालूंगी अपना फेवरेट कैस्टर ऑयल। अभी मुझे यही मिला, आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। विश केयर का आता है, बहुत सारी कंपनी का आता है मैंने देखा है, तो आप किसी भी एक अच्छी कंपनी का। रे का आता है, तो मैं डालूँगी इसको एक चम्मच इस दही में, एक चम्मच लेना है। कैस्टर ऑयल से आपके बाल अगर फ्रीजी हैं, रूखे से हैं, तो मैनेजेबल हो जाते हैं सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये बालों को बढ़ने में बहुत हेल्प करता है, ये अमेजिंग होता है बालों के बढ़ने के लिए। और अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कैस्टर ऑयल से बहुत फ़ायदा होता है। तो ये, और साथ में मैंने मेथी को रात भर पानी में भिगो के रखा है, गर्म पानी में भिगोया था मैंने, इसको मैं दो चम्मच ले लूँगी। एक चम्मच और ये दो चम्मच। आप ये मेथी के पानी को अलग से, इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल और कैस्टर ऑयल मिला करके बालों में लगा सकते हैं। ये भी आपके बालों के बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। मेथी बालों के लिए अमेजिंग होती है अगर आपको लॉन्ग हेयर चाहिए, और कैस्टर ऑयल भी बहुत अच्छा होता है। दही आपके बालों को सॉफ्ट करता है, कंडीशन करता है, आपके बाल तुरंत ही आपको बहुत ही सॉफ्ट दिखने लगेंगे। एकदम ही अलग सा ही मतलब टेक्सचर देता है बालों में, शाइन देता है, फ्रीजीनेस कम करता है, और साथ में बालों को झड़ने में रोकने से तो मदद करता ही करता है। मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी एलोवेरा जेल, दो चम्मच। ठीक है, ठीक है, देते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल को स्किप भी कर सकते हैं, इसमें सिर्फ दही और कैस्टर ऑयल भी अपने आप में पर्याप्त है, बट मैं सारे फायदे ले लेना चाहती हूँ एक साथ। तो अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ऐसा जेल टाइप का तैयार हो गया है, और इधर मेरी चाय बन रही है। तो चाय पीने के बाद मैं इसको अप्लाई करूंगी बालों में अच्छे से, पहले अपने जड़ों में, स्कैल्प में अच्छे से लगाऊंगी, देन जो अगर बचेगा तो उसको अपने बालों पे। तो पैक अप्लाई करने से पहले, सबसे पहले आपको अपने बालों को कॉम करना होगा, और कोई भी पैक अप्लाई करने से पहले आप बालों को कॉम्बिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि उससे बाल टूटते कम हैं। तो मैंने कॉम्बिंग कर ली है, और मेरे बाल देखिए, जब मैं हेयर कट कराया था 2 महीने पहले, मैंने बहुत छोटे करा लिए थे, लेकिन अभी टचवुड मैं बालों का रेगुलरली केयर कर रही हूँ, आप सबके साथ शेयर भी करती रहती हूँ, तब से मेरे बालों की ग्रोथ भी बढ़ी है, डेंसिटी भी बढ़ी है, बाल अच्छे हो रहे हैं। एंड आई विश एंड आई होप एंड आई नो कि मेरे बाल फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, बहुत अच्छे, क्योंकि मैं इनको ध्यान दे रही हूँ जो भी चीज़ें मुझसे हो सकती है, और मैं हर वो चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। और वो पूरे विश्वास के साथ आप करिए कि आपके बाल अच्छे ही होंगे, क्योंकि मैं खुद अप्लाई करती हूँ, उसका रिज़ल्ट देखती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो पैक है, दही दही कैस्टर ऑयल और उसमें एलोवेरा जेल, एंड मैंने मिलाया है मेथी का पानी, मेथी दाने का पानी। आप कैस्टर ऑयल की जगह
ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी जमा है सर्दियों में, मैं अवॉइड करती हूँ। और आप यूज़ कर सकते हैं बादाम का तेल, लेकिन कैस्टर ऑयल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये बालों को फ्रीजी होने से बचाता है, बालों को लेंथ में सहायता करता है। तो मैं चाहती हूँ मेरे बाल जल्दी लंबे होकर पहले जैसे हो जाए। मेरे बाल पहले कमर से नीचे थे, मतलब बहुत ही लंबे बाल थे मेरे, और इधर मैंने कट कट कराते 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 मेरे इतने छोटे हो गए, मतलब अभी छोटे हो गए, पहले की तुलना में वैसे छोटे नहीं है। तो मैंने इसीलिए कैस्टर ऑयल डाला कि मुझे बालों को लंबा करना है फिर से जल्दी से। तो ये मैं करती रहती हूँ, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चलो अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। अब इसको अपने बालों में, पूरे बालों में अच्छे से लगा लें। पहले आप लगाएंगे जड़ों में, सर स्कैल्प पे अच्छे से लगाइए अपने, और अगर बच जाए, क्योंकि दही मेरे पास आधा ही कप थी, तो पूरे बालों में कर लीजिएगा। इसको पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर ले। एक्चुअली रखने की जगह नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ रख के करूँ। कि सर्दियां हैं तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा देर तो नहीं रखूँगी। मैं अभी 11:40 हो रहे हैं, तो मैं इसको 12:30 बजे धुल दूँगी। आप इसको एक घंटे, आधे घंटे, मतलब मैक्सिमम एक घंटे रख के रह सकते हैं। मेथी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आप किसी भी फॉर्म में यूज़ करें। अलसी सीड्स बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आप किसी भी फॉर्म में यूज़ करें। साथ में दही, मैं कुछ बता रही हूँ पर्टिकुलर चीज़ें, कैस्टर ऑयल, अगर आप में आपके बालों में बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, तो कैस्टर ऑयल आप यूज़ करें, उससे हेयर फॉल जल्दी आपका रुकेगा। और कैस्टर ऑयल आपके बालों को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, मैं कैस्टर ऑयल यूज़ करती हूँ हमेशा। तो ये अप्लाई कर चुकी हूँ मैं, अब इसको हम लोग छोड़ देंगे और 12:30 के करीब मैं हेयर वॉश कर लूँगी। और ये आपके बालों को मजबूत बनाएगा, कंडीशन करेगा, शाइनिंग करेगा, हेयर फॉल में कंट्रोल करेगा, और प्लस हेयर ग्रोथ को तेज़ करता है। ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है, इसलिए मैं खुद पे ट्राई करके आपको दिखाती हूँ। और मेरे बाल तो आप हमेशा देखते ही हैं, तो चलिए अभी हेयर वॉश करने के बाद मिलते हैं। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं बाल कितने सिल्की स्मूथ लग रहे हैं। कैस्टर ऑयल लगाने से आपके बाल थोड़े से आपको चिपकू टाइप के लगेंगे, मतलब बहुत ही रूखे से नहीं होते हैं। तो सबसे खास बात कैस्टर ऑयल की यही होती है कि जाड़े में आपको अपने बाल रूखे सूखे नहीं लगेंगे। तो मेरा हेयर वॉश हो गया है एंड आई फील बहुत अमेजिंग लगते हैं बाल, और इससे आपका हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगा, बिलीव मी। तो अगर आपको हेयर ग्रोथ करना है और तो आपको अपने हेयर पैक में मेथी, कैस्टर ऑयल एंड एलोवेरा जेल, तीन चीज़ आप किसी भी फॉर्म में लगा लें तो बहुत ही इफेक्टिव होता है। और मेरे बालों का टेक्सचर बदल गया है, आप देख सकते हैं मेरे पुराने कुछ वीडियोस में मेरा ये हेयर कट हुआ था, ये बाल देखिए कहाँ तक आ गए मेरे। आई एम सो हैप्पी, पहले मेरे बाल यहाँ से कटना शुरू हुए थे, यहाँ तक था, अभी जो पहली मेरी लेयर है यहाँ पे आ रही है। मीन्स 2 महीने में मेरे बालों में कम से कम आई थिंक 2 से 3 इंच की ग्रोथ हुई है। और मैंने रेगुलरली कैस्टर ऑयल यूज़ किया है, एलोवेरा जेल यूज़ किया है। तो आप सब भी इसे यूज़ करिए, अगर आपको ये रेमेडी इफेक्टिव लगी हो एंड यू बिलीव मी, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और आई नो कि इफेक्ट ज़रूर आएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल मेरी आईडी है, और यहाँ पे तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए ज़रूर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़ आती रहेंगी, मैं आप सबके साथ बनी रहूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।